लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने की दौड़ में तमाम देश शामिल हैं। हर देश की ओर से इस वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वैक्सीन नवंबर में आएगी, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन दिसंबर में आएगी, तो कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन आएगी ही नहीं। खैर, सोशल मीडिया पर ही एक और दावा इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो दावा बहुत ज्यादा घातक है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आएगी, उस वैक्सीन के साथ साथ इंसानों के शरीर के अंदर एक माइक्रोचिप लगाने की तैयारी चल रही है और अपील यह भी की जा रही है कि आप कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लगाएं। कोरोना को लेकर कई तरह के दावों के बीच अब सोशल मीडिया पर एक नया दावा वायरल होने लगा है। एक वायरल दावे में लोगों से कोविड 19 के वैक्सीन का उपयोग नहीं करने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि वैक्सीन के साथ एक माइक्रोचिप को शरीर के अंदर डाला जाएगा। पोस्ट के साथ एक वीडियो में एक व्यक्ति दिख रहा है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वो परियोजना अभियंता है और साथ ही ये भी कहना है कि वो शख्स माइक्रोचिप विकसित करने वाली टीम का हिस्सा था। लगभग 8 मिनट के वीडियो क्लिप को फेसबुक यूजर्स ने कैप्शन के साथ पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि एक प्रोजेक्ट इंजीनियर जिसने माइक्रोचिप बनाया है जिसे जल्द ही कोविड 19 वैक्सीन USS नॉट टू टेक IT के साथ लागू किया जाएगा। कोरोना वायरस के साथ इंसान के शरीर के अंदर माइक्रोचिप डालने के जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने सच्चे हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं वो बेहद चिंताजनक है और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर क्यों उस माइक्रोचिप को इंसानों के शरीर के अंदर डाला जाएगा। हमने सबसे पहले इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की, इस दावे की पड़ताल की। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉरूम ने पाया कि यह दावा फर्जी है। यह भाषण कार्ल सैंडर्स नाम के एक अमेरिकी पादरी द्वारा दिया जा रहा है। यह सच है कि वो माइक्रोचिप्स के बारे में ही बोल रहे हैं लेकिन कोविड 19 से इसका कोई लेना देना नहीं है। रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमने पाया कि वीडियो कम से कम 12 साल पुराना है। वीडियो को बदल दिया गया है क्योंकि इसमें कई जंप कट है। 7 मिनट 17 सेकंड पर स्पीकर और दुभाषिया के पीछे जो दर्शक हैं वो गायब हो गए हैं। कुल मिलाकर जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं और आप भी ऐसे दावों से दूर रहें क्योंकि ऐसे दावे आपके लिए भी घातक हैं। साथ ही साथ हमारी ये भी आपसे अपील है कि अगर आपके नज़र में कोई ऐसी फर्जी खबरें आती हैं या आपको लगता है कि ये दावे या ये खबर गलत है तो आप उस खबर के बारे में हमें ज़रूर सूचित करें, हम उस दावे की पड़ताल भी करेंगे।